नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन हमारे पास है 15 cot a equals to 8। अब हमने sin a भी निकालना है तो secant a भी निकालना है। तो अब आपके पास क्या है cot 15 cot a equals to 8, तो cot a क्या हो जाएगा, व्हाट इज cot a, cot a आपके पास हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। cot क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होता है। बेस आपके पास क्या है 8, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 15। तो हाइपोटेन्यूस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो राइट एंगल आपने बी पे लेना है। तो कोट ए क्या होता है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपको बेस ए 8/15 आ गया आपके पास। हाइपोटेन्यूस आपको कैसे कैलकुलेट करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। जब आप 289 के स्क्वायर आएगा तो ए सी क्या हो जाएगा आपके पास 17 के आ जाएगा। तो यहाँ से आपने पहले हाइपोटेन्यूस निकालना है। कैलकुलेट कहा है कि साइन ए और सीकेंड ए निकालो। तो साइन ए आप निकालोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ये आपके पास परपेंडिकुलर है और यहाँ पे आपके पास जो हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करके आया है वो आपके पास 17 आया। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो 15 डिवाइडेड बाय 17 क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। सीकेंड ए क्या होता है, कोस क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो सीकेंड क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस, 17/15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीकेंड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय ए बी, मतलब हाइपोटेन्यूस बाय ए बी क्या है 8, हाइपोटेन्यूस बाय 17/8 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास साइन ए आ जाएगा और ये हमारे पास सीकेंड ए आ जाएगा। अब सीकेंड थीटा गिवन है 13/12। सीकेंड थीटा होता क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या हो गया आपके पास 13, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 12, परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सीकेंड थीटा हो गया हमारे पास ये, हमारे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, फिर आपने बेस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। इसका स्क्वायर करोगे तो 169, इसका 144, तो बेस आपके पास आ जाएगा 5 पे। ठीक है, तो हमने कहता कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब आपने साइन भी निकालना है, कोस भी निकालना है, टैन भी निकालना है, कोट भी निकालना है, सीकेंड भी निकालना है, कोसेकेंड भी निकालना है। तो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका 5 है और हाइपोटेन्यूस क्या है 13। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। वैल्यू आप ऐसे निकालते रहोगे। और टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। आपने वैल्यू देखनी है कौन कौन सी है, बस यहाँ पे पुट करती रहनी है जो आपने ट्रिक यूज़ की है। कोट क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ये बेस आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। कोसेकेंड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होंगे।